प्रश्न नंबर छह के लिए भी एक आकृति दिया हुआ है, उसको बना लेते हैं। तो प्रश्न नंबर छह, ये रहा, ये है पी क्यू आर, और ये है यहाँ से मिलाया गया है, इसको यहाँ से मिलाएं, यहाँ से इसको मिलाएं, इसको ओ डाल देते हैं, और ये है ऐसे ही खींचा हुआ है, ये और ये आ गया। यहाँ लिखा है ए बी और ये सी दिया हुआ है, ठीक ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, दिया है ए बी ए बी समानांतर पी क्यू और ए सी समानांतर पी आर, ठीक ना, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है बी सी समानांतर क्यू आर, ठीक ना, बी सी समानांतर क्यू आर हमको सिद्ध करना है। तो इसको हल करते हैं अब, उत्पत्ति देखिए, इसमें सबसे पहले ए बी ये लिखा है, देखिए ए बी समानांतर पी क्यू है ना, ये वाली भुजा इसके समानांतर है। देखिए हम ये वाला त्रिभुज ले ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, ये है लिखा है पी ए ओ बी और क्यू, ठीक ना, ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला त्रिभुज लिया है, इसको हमने निकाल के यहाँ लिख लिया। देखिए पी ओ क्यू में लिया, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं, समानांतर जो दिया है में ए बी समानांतर पी क्यू, ठीक ना, ये दिया हुआ है, तो दिया है तो इसको लिख लिए दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक ना, भुजाओं का ये तो हो ही गया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे बी क्यू, ठीक ना, ये समीकरण एक से लिख लिया। अब देखिए इसी प्रकार हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक ना, हमने अभी ये वाला लिया, अब हम लोग ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये वाला त्रिभुज यहाँ हम बना लेते हैं, देखिए यहीं से निकाल लेते हैं इसको, देखिए ये और ये हमने निकाल लिया यहाँ से, है ना, पी ओ आर और ये लाइन इसके समानांतर थी, देखिए ए और ये सी, ठीक ना, यही वाला त्रिभुज निकाल लिया हमने यहाँ पर, देखिए ये लाइन इसके समानांतर में है, ठीक ना, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, ए सी समानांतर पी आर, ठीक ना, ये दिया है, ये दिया है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो इसमें लिख लेंगे, देखिए ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, है ना, समीकरण एक और दो, तो समीकरण एक और दो में देखिए इसका बायां पक्ष दोनों बराबर है, ओ ए बटे ए पी ओ ए बटे ए पी, तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से
तो इसका दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ठीक ना। तो यहाँ तक हमने लिख लिया। तो अब देखिए हम ये त्रिभुज देखिए दिखाते हैं आपको। अब इस आकृति का जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमको कितनी ज़रूरत है। देखिए ये हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक ना। अब इसका हमको जरूरत नहीं है, ये हटा दिया, ठीक ना। ये हमने केवल समझाने के लिए हटाया है, जो फोटो बनता है वही रहता है, आकृति वही रहती है, इसको मिटाया नहीं जाता है। इसमें हमने इसको मिटाया ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब देखिए लिखा है त्रिभुज ओ क्यू आर में, देखिए ओ बी बटे बी क्यू दिखा, ओ बी बटे बी क्यू दिखा, और ओ सी बटे सी आर दिख रहा है, ठीक ना। तो नहीं कह सकते आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये बटे, देखिए ये लाइन इसके समानांतर हो जाएगी। यदि ये बटे ये है और ये बटे ये है, तो ये भुजा ये लाइन इसके समानांतर होगा। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, बी सी समानांतर क्यू आर, ठीक ना। और यही हमको सिद्ध करना था, तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। तो इति सिद्धम। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया ये, और इसका ए बी सी, ठीक ना। और एक रेखा खींचा इसको, ठीक ना, कोई रेखा है एल, जो इसके पहली इस भुजा ए बी के मध्य बिंदु से होके जा रही है। तो हमने ये मध्य बिंदु ये डी डाल दिया, और देखिए ये लाइन इसके समानांतर गुजर रही है। तो ये बोल रहा है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ पर हमने पहले बना लिया कि ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तीसरी भुजा को बिंदु ई पर, ठीक ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, लिखेंगे माना त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें जिस पर एक रेखा एल इस प्रकार खींची गई है कि यह भुजा ए बी के मध्य बिंदु डी से जाते हुए भुजा बी सी के मध्य बिंदु से भुजा बी सी के समानांतर मध्य बिंदु से ही डाल लेते हैं सी से, भुजा बी सी के, है ना, इसके समानांतर गुजर रही है जो तीसरी भुजा ए सी पर बिंदु ई ए सी पर एसी पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मध्य बिंदु पर है तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, है ना। ये मध्य बिंदु है तो बराबर बराबर हो गया। और इसमें लिखिए
अब देखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। देखिए हमको ये क्या सिद्ध करना है कि ये बिंदु ई जो है इस भुजा का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, मतलब ये बराबर ये हमको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, देखिए चूंकि डी ई समानांतर बी सी है, ठीक है, हमने बोला भी है डी ई इसके समानांतर होते हुए गुजरी है तो ये समानांतर है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना, यही प्रमेय 6.1 है ये, ठीक ना, यही प्रमेय है, तो इसी का बोला कि प्रयोग करिए इसमें। तो लिखते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ये होता है इस प्रमेय के अनुसार। अब चूंकि देखिए डी इसका मध्य बिंदु है तो ए डी बटे डी भी हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसका मान एक एक हो जाएगा, मतलब जैसे ए डी और इस डी बी के स्थान पर फिर हम ए डी रख सकते हैं, फिर ए डी रख लिया तो ए ई बटे ई सी हो गया, ठीक ना, ए डी बराबर डी बी दिया हुआ है तो इस डी बी के स्थान पर फिर हम ए बी ए डी रख दिया, तो देखिए कट के ये एक एक हो जाएगा, 1/1 बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा, तो जब इसका तिरय गुणा कर लेंगे तो देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा ए ई बटे ए ई बराबर ई सी, ठीक ना, देखिए ये बराबर बराबर हमको पथ मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ई ए सी का मध्य बिंदु हुआ, तो इसका मतलब ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था, ई ए सी का मध्य बिंदु हो गया, तो इसके स्थान अब यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः, तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हम यहां पूरा लिख लेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक ना, तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें देखिए लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसमें ये त्रिभुज बना लिया, अब देखिए इसमें ये रहा ए बी और सी, और इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, ये रहा मध्य बिंदु इनका, से ये लाइन खींच लिया, ये हो गया डी और ई, ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी मध्य बिंदु है, ठीक ना, लिखा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो हम लिख लेते हैं, दिया है, देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी एवं ई
क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, ठीक ना। तो मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब ए डी बराबर डी बी एवं ए ई बराबर ई सी, ठीक ना, ये दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध करना है डी ई समानांतर बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। तो लिखिए हल कैसे करेंगे इसको, उत्पत्ति देखिए इसमें दिया हुआ है, चूंकि डी एवं चूंकि बिंदु डी एवं ई क्रमशः भुजा ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी बराबर डी बी एवं ए ई बराबर ई सी, ठीक ना। तो देखिए ए डी बटे डी बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर 1/1, ठीक ना। इसका बटे बटे हम करेंगे तो 1/1 बराबर बराबर है, तो 1/1 कर सकते हैं। एवं इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं ए ई बटे, इसको नीचे पक्षांतर कर लीजिए तो यहाँ बटे बचेगा 1, और 1/1 हम लिख सकते हैं। देखिए इन दोनों से देखिए कि दोनों दायां पक्ष दोनों 1/1 है, तो बायां पक्ष दोनों ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, ठीक ना। तो अब देखिए क्या प्राप्त हुआ हमको, ए डी बटे डी बी ए बटे ई सी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये भुजा इसके समानांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से है ना, विलोम से क्या हो जाएगा डीई समानांतर बीसी। देखिए हमको यही सिद्ध करना था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखा, तो सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो इस प्रकार अतः ये जो लाइन स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। अतः एक त्रिभुज, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है। तो प्रश्न नंबर 9 में समलंब बनाते हैं, एक ये समलंब हुआ जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा एक समानांतर होता है और एक भुजाओं का जोड़ा समानांतर नहीं होता है। देखिए ये लिख लिया, इसमें ये लाइन इसके समानांतर, मतलब ये भुजा इसके समानांतर है। तो इसमें लिख देते हैं ए बी सी और डी, ठीक ना। तो ए बी समानांतर सी डी है तथा इसके विकर्ण, तो विकर्ण खींच लेते हैं, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। तो दिखाए लिख लेते हैं, दिया है
दिया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें देखिए ए बी समानांतर डी सी है, ठीक ना। और इन इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना, ये करते हैं, ये दिया हुआ है हमको। क्या सिद्ध करना है हमको? सिद्ध करना है क्या इसमें? ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये सिद्ध करना है हमको। तो देखिए हल करते हैं इसको। देखिए इसके लिए पहले थोड़ा रचना करना पड़ेगा, तो रचना लिख लेते हैं यहां पर। देखिए रचना यहां से करेंगे, यहां पे एक समानांतर खींचेंगे ए बी सी डी ई एफ, तो लिखते हैं ई एफ समानांतर डी सी इस प्रकार खींचा कि यह बिंदु ओ से गुजरता है, ठीक ना। ये रचना हो गया, अब इसको हल करते हैं। अब देखिए इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ठीक ना। तो ए डी सी ले लेते हैं, तो लिखा त्रिभुज ए डी सी में क्या लिखा? ई ओ समानांतर डी सी, ठीक ना। अगर ई एफ सी डी के समानांतर है तो ये ई ओ भी सी डी के समानांतर होगा, तो लिखेंगे ये रचना से तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? एई बटे ईडी बराबर एओ बटे ओसी, ठीक ना। ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा, ठीक ना। ये लाइन इसके समानांतर है, ये बटे ये बटे ये हो गया, हमने लिख लिया, तो समीकरण एक हो गया। फिर लिखेंगे देखिए त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं अब त्रिभुज ए बी डी में, तो देखिए ये वाली भुजा इसके समानांतर होगी, क्योंकि देखिए ये भुजा इसके समानांतर तो है ही, और ये इसके समानांतर है, तो ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो ये आपस में समानांतर होंगी, ठीक ना। तो लिखेंगे ई ओ समानांतर ए बी, ठीक ना, ये हो गया। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता ना प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखिए एई बटे ईडी लिखते हैं, एई बटे ईडी बराबर बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी या डीओ लिख सकते हैं यहाँ पर, डी ओ, ठीक ना। यहाँ पर चाहे ओ सी लिखिए चाहे सी ओ लिखिए, ठीक ना। तो ये हो गया समीकरण दो डाल दिए। अब देखिए समीकरण एक और दो में देखिए दोनों बायां पक्ष इसका दोनों बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण एक एवं दो से ये लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे ये डी ओ,
ठीक ना, ये हमको सिद्ध करना था, ये हमें प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 9। और एक अंतिम सवाल बचा है, उसको देख लेते हैं। अब क्या लिखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, ठीक ना। तो लिख लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये रहा एक चतुर्भुज। इसको देखिए क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक ना। तो जो दर्शाना है वही बनाते हैं हम, ये तो चतुर्भुज ऐसा बनाएंगे कि जो हमको समलंब की तरह दिखाई देगा। ये लिख लिया, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कराते हैं, ये ओ लिख लिया, ठीक ना। तो लिखते हैं ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, पर इस प्रकार करते हैं कि क्या हो गया, देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ठीक ना। ये हमने दे दिया, और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक ना। तो देखिए इसको रचना भी यहाँ भी करना पड़ेगा, रचना। इसमें रचना क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये लाइन इसके समानते ही जा, यहाँ ई ओ डाल लेते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे ई ओ समानांतर ए बी खींचा, ठीक ना, खींच लिया। अब उपपत्ति लिखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में, ए बी डी में क्या दिया हुआ है, ई ओ समानांतर ए बी, ठीक ना। ये रचना से लिखा है, रचना से। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक ना। तो प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहीं ऊपर लिख लेते हैं, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये तो यहाँ से हमने प्राप्त किया, और हमको ये देखिए दिया भी है ये, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, और ये दिया है देखिए ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये हमको दिया है, ठीक ना। ये हमको दिया है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अदला बदली कर लेते हैं, ठीक ना। तो लिख सकते हैं ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे ये डी ओ, ये लिख लेते हैं, यहाँ दिया है, ठीक ना। ये दिया हुआ है, तो हमने इसको थोड़ा अदला बदली कर लिया, तो ये बी ओ ऊपर कर दिया, सी ओ नीचे कर दिया, तो ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में दायां पक्ष दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो ये बराबर दिख रहे हैं, तो इसका बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ, तो देखिए क्या बनाइए, ए ई बटे ई डी बटे बराबर ए ओ बटे ओ सी,
इस त्रिभुज में देखिए ये वाला इनका अनुपात ये बटे ये बराबर ये बटे ये हैं, इसका मतलब ई ओ इसके भी समानांतर हो जाएगा, है ना। तो इस त्रिभुज में यदि इनके भुजाओं इनका अनुपात अगर ये बराबर है तो ये वाला भुजा इसके बराबर होता है। तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्या हो जाएगा, ईओ समानांतर डीसी, ठीक ना। तो अब देखिए, चूंकि देखिए हमने यहां रचना में लिखा है ई ओ समानांतर ए बी, और ये हमने अभी ऊपर प्राप्त किया है, ये ई ओ समानांतर डी सी, ठीक ना। मतलब ये लाइन इसके भी समानांतर है और ये लाइन इसके भी समानांतर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में समानांतर हो जाएंगे, है ना। तो लिख सकते हैं ए बी समानांतर डी सी, ठीक ना। तो यदि ये भुजा इसके समानांतर हो गया तो ये कह सकते हैं कि ये एक समलंब हो गया, क्योंकि समलंब में भुजाओं का एक युग्म आपस में समानांतर होता है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया ए बी समानांतर सी डी। तो लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।